हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम एक पोएम को एनालाइज करेंगे। बहुत ही सुंदर पोएम है। पोएम का टाइटल है द सॉन्ग ऑफ द फ्री। ये पोएम लिखी थी स्वामी विवेकानंद जी ने। और सबसे पहले इस पोएम के बारे में बात करने से पहले, इसके थीम के बारे में बात करने से पहले, मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, आपने बहुत सारा समय इस धरती पे बिताया है। ऑफ कोर्स आपको लोग ज़्यादातर यंग कहते होंगे और अभी आपके सामने बहुत सारी लाइफ बची है, मगर अभी भी जो आपने ज़िंदगी जी है, आपने बहुत कुछ देखा है। आपने बहुत सारी सैडनेस एक्सपीरियंस की होगी, आपने खुशी भी एक्सपीरियंस की होगी, आप डिफ़िकल्टीज से गुजरे होंगे, उसके बाद आपने विक्ट्री को भी देखा होगा, आपने जीत को भी देखा होगा। यू शुड बी कॉन्ग्रेचुलेटेड। अब तक जो भी आपकी जर्नी रही है, उसके बाद आप यहाँ पे आ गए हो, इट इज़ कमेंडेबल। और आपने अब एक बात नोटिस करी होगी, अगर आप अपनी लाइफ को पीछे रिवाइंड करके देखें, तो जो भी अब तक आप में इम्प्रूवमेंट आई है, जो भी आप सीख पाए हैं, जो भी आप अपने आप में चीज़ निखार पाए हैं, वो डिफ़िकल्टीज़ के टाइम में हुआ था, जब आप मुश्किल में थे, जब आप पीड़ा में थे, जब सरकमस्टांसेस आपके खिलाफ थे, तभी आपने अपने आप को इम्प्रूव किया। आपने बस खुद ही अपने अंदर से कुछ एक एनर्जी ढूंढी और समहाउ आपने रास्ता निकाला और आज जहाँ पे आप हैं, वहाँ पे आप खड़े हो। और ये पोयम भी इसी बारे में है। हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए डिफ़िकल्टीज, कठिनाइयाँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आपको जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीची का। फ्रेडरिक नीची की बहुत सारी फेमस कोट्स हैं, तो उनमें से एक ये है कि फ्रेडरिक नीची कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे करीबी लोग हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जिनको मैं चाहता हूँ, उन पर दर्द आए, वो कठिनाइयों से गुजरे, वो खुशी से कुछ हद तक दूर रहें। अब कोई भी कहेगा कि यहाँ पर ये इतने बड़े फिलोसोफर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, मगर उसके पीछे का रीज़न ये था कि जब आप डिफ़िकल्टी से गुजरते हो, तो ऑटोमेटिकली आप स्ट्रांग बनते हो, ऑटोमेटिकली आप में ज़्यादा नॉलेज आती है, ऑटोमेटिकली आप एक बेहतर आदमी बनते हो। और इस पोयम में आप यही थीम पाओगे कि किस तरीके से जब आप डिफ़िकल्टीज़ में हो, जब आप अकेले हो, जब आप आपका कोई साथ देने वाला नहीं है, आप एक मुश्किल सिचुएशन से गुजर रहे हो, सिर्फ आपके पास अपना सहारा है, तब किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए। और एक बहुत ही इंस्पिरेशनल पोयम है। आई एम श्योर आप एक बार ये पोयम सुनेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली परहैप्स इसको कहीं सेव करके कोई वॉलपेपर सा बना के अपने फ़ोन या डेस्कटॉप पे भी आप लगा सकते हैं। बट इट्स रियली अमेजिंग। बहुत ही सुंदर पोयम है और इसका आप एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। स्टडी आई क्यू के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर वेरियस एग्जाम्स लाइक SSC, बैंक, UPSC, क्लैट, DSSB। हमारे कोर्सेज या हमारी टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हैं StudyIQ.com पे, या आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं। तो ये है पोयम। ऑलराइट, यहाँ पे जो स्टैंजाज हैं, मैंने थोड़े मिक्स कर लिए हैं। ये जो चार लाइनें हैं स्टार्टिंग की, ये स्टैंजा 1 है, नीचे का जो पार्ट है ये स्टैंजा 2 है। तो मैं दो स्टैंजाज को एक साथ लेके चलूँगा, क्योंकि कंटिन्यूटी काफ़ी अच्छी है इस पोयम में। ये पोयम ऐसा नहीं है कि कोई स्टोरी मोड में है, जहाँ पे हम एक व्यक्ति को देख रहे हैं, उसके एक्सपीरियंसेस को देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे और उसके बाद फिर विवेकानंदा जी अपनी फिलॉसफी को बताते हैं आगे के स्टैंजाज में। तो शुरुआत करते हैं। द वुंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्स, द फ्लेम स्टर्ड अप डॉथ ब्लेज, द डेजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल ऑफ हार्ट स्ट्रक लॉयंस रेज, द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट डल्यूज स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट, व्हेन द सोल इज स्टर्ड to its inmost depth, great ones unfold in their best. All right, सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे कह रहे हैं द wounded स्नेक इट्स hood unfurls. Wound का मतलब होता है चोट, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आई एम wounded, तो मतलब कि मैं कह रहा हूँ मुझे चोट लगी हुई है। ही इज़ wounded, उसको चोट लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर सांप की हम बात कर रहे हैं। एक सांप को भी जब चोट लगती है, एक चोट लगा हुआ सांप क्या करता है, आपने कभी नेशनल ज्योग्राफी का डिस्कवरी में देखा होगा, वो अपना जो हुड है, हुड इसको कहते हैं। कभी आप कोबरा को देखो, तो जब वो रेंग रहा होता है, तो उसका हुड हमको दिखता नहीं है। जब वो अटैकिंग पोजीशन में आता है, जब वो एक अलर्ट सिचुएशन में आता है, तो यहाँ पे जो हुड है इसका, ये
ओपन हो जाता है, ये अनफोल्ड कर देता है। अब अनफोल्ड जो वर्ड है यहाँ पे विवेकानंद जी ने वो शब्द यूज़ नहीं किया, बहुत ही अच्छा शब्द यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है, इन्होंने लिखा है अनफर्ल्स। अनफर्ल का मतलब होता है ओपन करना, अनफोल्ड करना, ओपन आउट करना, ठीक है। तो यहाँ पे सांप ने भी क्या किया, अपने अपना जो हुड था वो अनफर्ल कर लिया। ये एक उदाहरण है, यहाँ पे विवेकानंद जी कह रहे हैं कि सांप को भी जब चोट लगती है तो वो अपना हुड अनफर्ल करके अपना एक ज़्यादा पावरफुल रूप दिखाता है। सिमिलर एग्जांपल यहाँ पे है, जब एक फ्लेम होता है आग को आप स्टर करो, कुछ लकड़ी से छेड़ो उसको या पत्थर फेंको, अचानक से आग उड़ जाती है, ब्लेज करती है, उसका साइज़ और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। विरस आप उसको अटैक कर रहे हो मगर उसका साइज़ बढ़ रहा है। सिमिलरली यह स्नेक वाला एग्जाम्पल था, उससे काफ़ी तक सिमिलर है। उसके अलावा यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया उन्होंने लॉयन का, कि डेजर्ट की जो हवा है वहाँ पर भी आप हार्ट स्ट्रक लॉयन की जो रेज है वो आप सुन सकते हो। मतलब कि कोई जानवर हो वो भी अगर प्रॉब्लम में आता है, वो भी डिफ़िकल्टीज फेस करता है, वो भी फुल रेज के साथ एक अपनी जो आवाज़ है वो सामने रखता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि नेचर में आप अगर देखोगे तो जहाँ भी कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी के सामने, उसी वक्त नेचर का वो पार्ट अपना बेस्ट सामने लाता है। ये एक और एग्जांपल है यहाँ पे बादलों का, ठीक है। अब बहुत ही यहाँ पे सुंदर पोयम इन्होंने लिखा है कि आपने कभी देखा होगा कि बादल हैं, ठीक है, बादलों में से बिजली निकलती है, बिजली वहाँ से कड़कती है। तो इन्होंने ऐसे बताया है कि जब बिजली कड़क रही होती है तो ऐसे लगता है कि बादलों का जो सीना है, जो उसका ब्रेस्ट है, उसको क्लीव करते हुए निकल रही है। क्लीव का मतलब होता है स्प्लिट कर देना, बिल्कुल यू नो ओपन कर देना, क्रैक कर देना। और यहाँ पे तब बादल क्या करता है, बादल तब भी अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है। ऐसा नहीं है कि एक बिजली कड़क गई पूरा बादल फिर गायब हो जाता है, नहीं, बादल वहीं पर टिका रहता है, अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है। बिजली कड़क के ही उसको मतलब स्प्लिट कर दिया तो क्या हुआ। और डेल्यूज का मतलब होता है ओवरवेल्म, ओवरलोड, ओवररन करना, ठीक है, मतलब ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ दिखाता है, अपनी डटा रहता है। और सिमिलरली सोल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, आत्मा की। When the soul is stirred, जब आत्मा को हिलाया जाता है, जब आत्मा मुश्किल में होती है, आप कोई बीमारी में आप फंस गए, आपका कोई नुकसान हो गया, आपके साथ कुछ खराब चीज़ हो गई, सोल आपके अंदर ही है ना, और सोल भी एक्सपीरियंस कुछ हद तक करती है जो भी आपके साथ हुआ। तो उस समय सोल बस सिमट नहीं जाती, सोल अपना बेस्ट उसी समय दिखाती है। ऑटोमेटिकली जो आपको एनर्जी मिलती है अंदर से अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करने की, आपको जो ब्रेवरी मिलती है वो आपके अंदर जो सोल है वहीं से मिलती है। और ये नेचर ही करती है, ये नेचर का रूल है। हमको ये हर जगह दिखता है, हमको ये सांप में दिखता है, हमको ये आग में दिखता है, हमको ये बादलों में दिखता है, हमको ये जानवरों में दिखता है। तो जो भी ग्रेट चीज़ें हैं, जो भी ग्रेट नेचर में चीज़ें हैं, वो मुश्किलों में अपना बेस्ट दिखाती है। अब आगे के ये जो स्टैंजा है, ये स्टैंजा 3 है, ये जो नीचे की 4 लाइन है ये स्टैंजा 4 है। इन पंक्तियों में विवेकानंद जी ये बताते हैं कि जिंदगी में आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स झेलनी होगी और उनसे आपको आगे उभरना है और स्ट्रांग बनना है। देखो यहाँ पे पहले जो दो पंक्तियाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट आईज ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो फेंट एंड फ्रेंडशिप्स फेल एंड लव बिट्रे। अब मैं ये भी अज्यूम कर सकता हूँ कि आप लोग इतने बड़े हो चुके हैं तो काफ़ी बार आपकी दोस्ती भी टूटी होगी। कुछ शायद लोग हैं जहाँ पे लव है, उनको बिट्रेल भी मिला होगा। बिट्रेल का मतलब होता है धोखा, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये आदमी औरत का प्यार हो। कभी कभी ये भी होता है कि आप एक सर्टन आइडियल में आप बिलीव रखते हो, एक सर्टन आइडिया में आप बिलीव रखते हो, एक सर्टन आइडियोलॉजी में आप बिलीव रखते हो, बाद में पता लगता है कि वो आइडियोलॉजी ठीक नहीं है। तो हर तरफ से दिल टूटना इन अ सेंस ये होगा ही होगा, ठीक है। दोस्तियाँ होंगी वो टूटेंगे, रिलेशनशिप्स टूटेंगे, लव में आपको बिट्रेल मिलेगा, ये सब चीज़ें जिंदगी के दुख हैं, ठीक है। और आगे उनके बारे में विवेकानंद जी लिखते हैं, लेट फेट इट्स 100 हॉरर सेंड। फेट होता है नसीब, किस्मत, उसको अपने 100 हॉरर्स होती हैं। आप हॉरर का मतलब समझ सकते हो आप, कोई डरावनी चीज़, ठीक है, ख़राब चीज़ आप कह सकते हो। नसीब को बहुत सारी ख़राब चीज़ें अपनी तरफ भेजने दो, एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और जो आपका रास्ता है वो क्लॉटेड डार्कनेस, देखो क्लॉटेड का यहाँ पे मतलब है थिक मास, कोई मतलब बहुत ही गाढ़ी सी कोई चीज़ हो। आपने कभी ये सुना होगा ब्लड क्लॉट होता है, जब ब्लड एक जम जाता है एक जगह पे, ब्लड क्लॉट होता है ना, वो तो वही यूज़ किया डार्कनेस को डिस्क्राइब करने के लिए। डार्कनेस भी कुछ ऐसी इमेजिन यहाँ पे करी गई है इस पोएम में, कि वैसी डार्कनेस आपका रास्ता भी रोकेगी, क्योंकि ऑफकोर्स जब
आपकी दोस्ती टूटेगी, लव में बिट्रेल मिलेगा, यू फील डिप्रेस्ड, आप सैड फील करते हुए ऐसा लगता है कि हर तरफ डार्कनेस है और एक तरीके से यू नो आगे आप बढ़ नहीं पा रहे। मगर वो कह रहे हैं ये सब होने दो, ये होगा, इसको एक्सेप्ट कर लो। और आगे लिखा है, ऑल नेचर वियर वन एंग्री फ्राउन टू क्रश यू आउट, स्टिल नो माई सोल यू आर डिवाइन, मार्च ऑन, नॉर राइट नॉर लेफ्ट बट टू द गोल। अब आगे कह रहे हैं कि पूरी जो कुदरत है, अब ऑफकोर्स यहाँ पे मदर नेचर की बात नहीं कर रहा मैं, पेट पौधों की बात नहीं कर रहा, नेचर का यहाँ पे आप कह सकते हो पूरी कायनात से मतलब है। यहाँ पे कह रहे हैं पूरी कायनात को उदास होने दो। देखो फ्रॉन का मतलब होता है ये जो कर रहा है ना, ये फ्रॉन है। आपने देखा होगा जब आप सैड होते हो तो स्माइल जो होता है, हमारी जो स्माइल बनती है उसका उल्टा बन जाता है फ्राउन, ठीक है। तो जब भी कोई सैड हो तो इसलिए लोग कहते हैं डोंट फ्राउन बी हैप्पी, स्माइल करो। तो ये इसका उल्टा हो गया, एंटोनिम हो गया इसका फ्राउन का, स्माइल। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पूरी जो कायनात है उसको तुम पर फ्राउन करने दो, मतलब हर तरफ तुमको दिख रहा है कि लोग उदास हैं या यू नो दुखी हैं तुमसे, या मतलब तुमको एक्यूज़ कर रहे हैं। और टू क्रश यू आउट, स्टिल नो माई सोल, और आपको क्रश करने की भी कोशिश की जाएगी, मगर तब भी अपनी आत्मा को कह रहे हैं कि जो आत्मा मेरे अंदर बसती है ना वो डिवाइन है। डिवाइन मतलब वो अदर वर्ल्ड ही है, वो खास है। मार्च ऑन, नॉट राइट नॉट लेफ्ट बट टू द गोल। तो बेसिकली यहाँ पर इन अ नटशेल बहुत सारे सिम्बोलिज्म के साथ ये कह रहे हैं कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम बहुत सारी आएंगी, दोस्त बनेंगे, दोस्त आपको छोड़ के चले जाएंगे, प्यार आपको छोड़ के चला जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, फाइनेंशियल दिक्कतें आएंगी, आप बीमार हो सकते हो, बहुत कुछ होगा, ठीक है। मगर आपको क्या करना है, आपको ना लेफ्ट देखना है ना राइट देखना है, बिल्कुल अपने गोल की तरफ बढ़ते रहो और अपने अंदर विश्वास रखो कि जो आत्मा आपके अंदर है ना वो बहुत खास है। कभी भी अपने आप को ये मत सोचो कि मैं नॉर्मल हूँ और अब बस ये सब प्रॉब्लम्स मुझको दबा देंगी। आपको आगे बढ़ते रहना है क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा है वो क्या है, इट इज़ डिवाइन। अब ये जो पार्ट है यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके अंदर जो सोल है, जो स्पिरिट है, जो आत्मा है वो कितनी स्पेशल है। तो कह रहे हैं कि ना मैं कोई एंजल हूँ, क्योंकि एंजल का भी हमारे माइंड में एक ना आकार होता है और उसका एक फंक्शन होता है कि वो अच्छी होगी वगैरह। नहीं, एंजल नहीं हो ना वो अंदर की जो आत्मा है, ना वो कोई आदमी है, ना कोई ब्रूट है, ब्रूट होता है बड़ा यू नो अनसिविलाइज्ड आदमी, ब्रूट। ना कोई बॉडी है, ना माइंड है उसका, ना वो ना कोई जेंडर है उसका। जो किताबें हैं वहाँ पे नॉलेज जो है वो कम पड़ जाती है ये डिस्क्राइब करने में, जब हम आते हैं कि आत्मा बेसिकली है क्या। तो आत्मा को डिस्क्राइब करने के लिए कह रहे हैं आई एम ही। तो देखो यहाँ पे काफ़ी रिलीजन्स में ये कहा जाता है कि जो सुप्रीम बीइंग है, गॉड या जो भी आप कह लीजिए, जो पूरी दुनिया को चलाता है, वो आपके अंदर बसता है, ठीक है। ये तो कहते हैं ना कि हर आदमी के अंदर भगवान है। तो ये कह रहे हैं कि आपका जो सोल है वो अपने आप में ही बहुत पावरफुल है, वो ही सुप्रीम बीइंग से जुड़ा हुआ है। तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप में एक पावरफुल ह्यूमन बीइंग हो। और उसी को आगे एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने काफ़ी लाइन्स यूज़ करी है कि ये सन के बनने से पहले एग्जिस्ट करती थी आपकी आत्मा, मून के बनने से पहले एग्जिस्ट करती थी, अर्थ के बनने से पहले एग्जिस्ट करती थी, सितारों के बनने से पहले एग्जिस्ट करती थी, इस सबसे पहले आप एग्जिस्ट करते थे। अब इसका जो साइंटिफिक वे में समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो वो उससे आप और समझ पाओगे। अब आपको पता है बिग बैंग हुआ था, ठीक है। हमारा जो आज के टाइम में ब्रह्मांड देख रहे हैं, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द बिग बैंग थ्योरी, ये ज़्यादातर साइंटिस्ट मानते हैं। तो हम ये भी मान सकते हैं कि हम सब एक सिंगुलैरिटी से शुरू हुए थे, इनिशियली हम सब एक थे, एक कई शायद करोड़ों से भी साल पहले, को मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता कितने साल पहले, एक ऐसा समय था जब हम और आप एक थे। हम सारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं इस धरती पे, हमारा जो भी मास है, हम जो भी चीज़ों से बने हैं, हमारे अंदर जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, जो भी है, ये सब कुछ धरती से ही निकला है। और ये धरती, मून, सन वगैरह सब एक थे, एक सिंगल एंटिटी थी। उसके बाद एक्सप्लोजन्स होते गए, सोलर सिस्टम बने, गैलेक्सी बनी, वेरियस स्टार्स बने, और आज के टाइम में हम एक सोलर सिस्टम के बीच में एक छोटा सा प्लेनेट है हमारा अर्थ, वहाँ पे हम रहते हैं। और अंदर हमारे डिविजन्स बने हुए हैं कि ये कंट्री ऐसा है, ये अलग रेस है, ये अलग रिलीजन है। मगर हम लोगों ने शुरुआत तो एक साथ की थी ना, हमारी जो आत्मा है, जो हमारी असली फॉर्म है एग्जिस्टेंस की, वो तो सूर्य से भी पहले की है। ये काफ़ी बार ऐसी जो थ्योरी, ऐसी फिलॉसफी है, बहुत सारे एस्ट्रोफिजिसिस्ट जैसे नील डिग्रास टाइसन या कार्ल सेगन, उन्होंने डिस्क्राइब करी है अपनी किताबों में, जहाँ पे वो कहते हैं वी आर स्टारडस्ट। हम लोग क्या हैं, हम स्टारडस्ट हैं, क्योंकि जो बहुत दूर आप सितारे देख रहे हो,
कहीं ना कहीं आप भी उसी मटेरियल से निकले हो जहाँ से वो सितारे निकले हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे यही कहा जा रहा है इस पोयम में। बहुत बड़ी बात है, मतलब उस ज़माने में विवेकानंदा जी ने, आज के टाइम में तो इतना लिटरेचर हमारे सामने अवेलेबल है तो हम ये सब कह सकते हैं, मगर उस ज़माने में विवेकानंदा जी ने ये सब लिख दिया था कि जो आपका असली एग्जिस्टेंस है, जो आपका अस्तित्व है, जो आपकी आत्मा है, वो सन मून अर्थ उससे भी पुरानी है, और एक तरीके से आप हमेशा थे, हमेशा हो, हमेशा रहोगे। आप जब नहीं थे उससे पहले भी जो भी आप चीज़ से बने हो, जो भी आपका मतलब अंदर आत्मा है, जो भी आप हो इस वक्त, वो तब भी वो मटेरियल था, बस फॉर्म चेंज होती रहती है। जब आप मर जाओगे तो भी, अगर आपको जला दिया जाएगा या दफना दिए जाओगे, जो भी होगा, आप इसी एनर्जी के साथ धरती में घूमते रहोगे। अब आगे देखो, आत्मा के बारे में और बात की जा रही है। यहाँ पे विवेकानंदा जी कह रहे हैं, द ब्यूटेशियस अर्थ, ब्यूटेशियस का मतलब होता है जो बहुत खूबसूरत चीज़ हो, ठीक है, ब्यूटी से वर्ड बनता है ब्यूटेशियस। आगे लिखा है द ग्लोरियस सन, ग्लोरियस, ठीक है, शान से भरा हुआ, बहुत ही ग्लोरियस है। द काम स्वीट मून, बहुत ही शांत सुंदर और मीठा मून। और स्पैंगल्ड स्काई, स्पैंगल्ड का मतलब होता है ब्राइट, लाइट से भरा हुआ। आप देखोगे सितारे बहुत सारे होते हैं आसमान में, तो स्पैंगल्ड स्काई कह रहे हैं। कॉजेशियंस लॉ के बारे में अलग से आप सर्च करिएगा। ये जो पूरी धरती है जिस तरीके से चलती है, पूरा जो ब्रह्मांड किस तरीके से ऑपरेट करता है, ये कॉजेशन लॉ में समझाया हुआ है, ठीक है। कह रहे ये लॉ इस इन सब को चलाता है, और इन सब में बॉन्ड्स हैं, और बॉन्ड्स में ये मर जाएंगे। आप सोलर सिस्टम भी देखोगे, एक तरीके से हर चीज़ एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। सन है, सन के आसपास सारे प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं, अर्थ के आसपास मून ऑर्बिट कर रहा है, और बिल्कुल सब एक दूसरे का एक बॉन्ड है। और इनिशियली आपको पता है एक दिन ये भी होगा, सन एक्सप्लोड कर जाएगा, एक नेबुला बन जाएगा, आसपास के सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर लेगा। तो ये बॉन्ड्स में बनते हैं, बॉन्ड्स में ही मरते हैं। और यहाँ पे धरती के बारे में लिखा है कि धरती में ही आपको हेवन हेल अच्छा बुरा सब मिल जाएगा, ठीक है। मगर ये कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो हम देख पा रहे हैं, जो हम छू पा रहे हैं, जो हम महसूस कर पा रहे हैं, जो टेंजिबल है, और जो हम मतलब अभी तक सेंस कर पा रहे हैं, ये सब आउटर क्रस्ट है, ये सिर्फ एक बाहरी सतह है आपकी असली एग्जिस्टेंस की। असल में जो आपके एग्जिस्टेंस है, ये सब सेंसेस के आगे है, ये हर थॉट के आगे है। और यहाँ पर बेसिकली जो आप बेसिकली हो एज एन इंडिविजुअल, उसके बारे में बताया गया है कि आप काफ़ी ज़्यादा बड़े हो उससे। और इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी तकलीफ, कोई भी एडवर्सरी, कोई भी एडवर्सिटी आपको बांध के नहीं रख सकती, क्योंकि जो चीज़ आपके अंदर है वो यूनिवर्स की स्टार्टिंग में भी थी, और जब यूनिवर्स नहीं रहेगा तब भी रहेगी, इट इज़ फॉर एवर। तो जब आपके अंदर एक ऐसी आत्मा एग्जिस्ट करती है तो कोई प्रॉब्लम आपको कैसे रोक सकती है। और अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती भी है, ये एक अपॉर्चुनिटी है खुद को इम्प्रूव करने की, क्योंकि आपको वो प्रॉब्लम कुछ ना कुछ दे के ही जाएगी, कुछ एक नई स्किल दे के जाएगी, नई सोचने का नज़रिया दे के जाएगी। और यही इस पोएम और यही इस पूरी पोएम का क्रक्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रॉम ड्रीम्स अवेक, फ्रॉम बॉन्ड्स बी फ्री, ये सब जो बॉन्ड्स हैं इन सब से फ्री हो जाओ, रियलाइज़ करो कि अपना जो आपका असली एक आइडेंटिटी है वो क्या है। बी नॉट अफ्रेड, डरो मत, ठीक है, क्योंकि आप जो हो, यू आर स्टारडस्ट, दिस मिस्ट्री, माई शेडो कैन नॉट फ्राइटन मी, नो वंस फॉर ऑल, आई एम ही। अब ही का मतलब यहाँ पे ही जो है ये गॉड से कह रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मेरे अंदर ही, जब मेरा भगवान है, जब इतनी पावरफुल एक फोर्स है मेरे अंदर, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी कुछ आएगा, इट विल ओनली मेक मी स्ट्रॉन्गर। ये जो लाइन है याद रखना, इफ इट डजेंट किल यू, इट विल मेक यू स्ट्रॉन्गर। अगर आपको कोई चीज़ मारती नहीं है ना, इट विल ओनली मेक यू स्ट्रॉन्गर। और ये इस पूरी पोएम का क्रक्स है। इट इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल पोएम, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम पसंद भी आई होगी। एंड दैट्स ऑल आई हैव टू से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।